ऐसे स्टूडेंट्स आप सब लोग लाइफ को सब लोग बहुत अच्छे अच्छे से खेल कूद रहे इन्जॉय कर रहे हैं ठीक है लाइफ को सेम ऐसे इन्जॉय करना है कोई ज़्यादा चीज नहीं करना है कुछ भी नहीं करना बस आपको क्या करना है चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रही हैं स्टडीज भी करनी है और गेम्स भी खेल रहे हैं ठीक है तो दोनों ही हमारे लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो उसके लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ टॉपिक एट इज़ मल्टीप्लीकेशन टेबल्स तो मल्टीप्लीकेशन टेबल्स हम देखने वाले हैं यहाँ पर वन टू टेन तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप वन इंटू वन करेंगे तो आपको पास क्या जाएगा वन तो इसका मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड वन टू वन इंटू टू करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा टू दैट इज वन प्लस टू तो ये होता है कि वन को आप टू टाइम्स क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं वन को थ्री टाइम्स ऐड कर रहे हैं ठीक है तो वन फोर जो कितना होगा हम क्या बोलिए वन फोर आर फोर्टी सॉरी फोर वन फाइव साइव वन सिक्स आर सिक्स ठीक है वन नाइन सात नाइन इस टाइप से आपको क्या करना है टेबल स्लाइन करनी है चलिए okay, नेक्स्ट टेबल देखते हैं बस टोपी का है टेबल चलिए टू की टेबल देखते हैं ओके ये नीचे रह गई अब देखिए ऐसे यहाँ पे टू की टेबल के बाद है टू टू वन इज टू 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 आर फोर टू थ्री आर सिक्स टू फोर आर एट टू फाइव आर टेन टू सिक्स आर ट्वेल्व टू सेवेंथ आर फोर्टीन टू एट्स आर सिक्सटीन टू नाइन्थ आर एटीन टू टें ट्वेंटी तो ये क्या हमारा पैटर्न हो गया चल, आगे चलते हैं नेक्स्ट टेबल देखते हैं हम अपना थ्री का टेबल चलिए तो थ्री के लिए हमारे पास एक डाइनअप्स आया बहुत बड़ा ठीक है अच्छा लग रहा है <laughs> तो स्टार्ट करते हैं तो थ्री वा थ्री टू जार सिक्स पी थ्री जैन थ्री फोर जार ट्वेल्व थ्री फाइव जार फिफ्टीन पी सिक्स आर एटीन थ्री सेवन सार ट्वेल्थ थ्री एट सार ट्वेंटी फोर थ्री नाइन्थ ट्वेंटी सेवन थ्री टेन थर्टी तो इस टाइप से आपको टेबल्स याद करने रिपीट भी करनी है चलिए फोर का टेबल देखते हैं हाँ

ये शायद वो है हमारे पास पर्स जो रॉकेट था ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं वो अपना मेन चीज़ जो कि हमारे पास क्या है टेबल ऑफ फाइव तो फाइव है फाइव वन इज फाइव फाइव टू जार टेन फाइव थ्री जार फिफ्टीन फाइव फोर जार ट्वेंटी फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स आर थर्टी फाइव सेवन आर थर्टी फाइव फाइव एट आर फोर्टी फाइव नाइन्थ आर फोर्टी फाइव फाइव आर फिफ्टी ठीक है चलिए उसके बाद आता है हमारे पास वन सेवन सिक्स सिक्स टू आर ट्वेल्थ सिक्स थ्री आर एटीन सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव आर थर्टी सिक्स सिक्स आर थर्टी सिक्स सिक्स सेवन आर फोर्टी टू सिक्स एट सार फोर्टी एट सिक्स नाइन्फ्टी फोर सिक्स टेन सार्सटी क्लियर चलिए नेक्स्ट टेबल लिखते हैं हमारे पास आएंगे सेवन टेबल ओके तो सेवन टेबल देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सेवन सेज इज सेवन सेवन टूज़ आर फोटीन सेवन थ्रीज़ आर ट्वेंटी वन सेवन फोर आर ट्वेंटी एट सेवन फाइव आर थर्टी फाइव सेवन सिक्स आर फोर्टी टू सेवन सेवन आर फोर्टी नाइन सेवन एट आर सेवन एट्स आर 56, ओके सेवन नाइन्थ आर सिक्सटी थ्री सेवन टेंथ आर ठीक है चलिए अब एट के टेबल देखते हैं जब ये अच्छा लग रहा है पेंगुइन है ना ओके तो चलिए एट का टेबल देखते हैं थोड़ा सा हार्ड है ठीक है एट वन साइट एट टू जिक्सटीन एट थ्री तो जार ट्वेंटी फोर एट फोर तो जार थर्टी टू एट फाइव सात फोर्टी एट सिक्स आर फोर्टी एट, तो जार, 40, एट तो जार, 48, एट सेवन साफ्टी सिक्स एट एट सार्सटी फोर एट नाइन सावेंटी टू एट टेंथ सात एटी क्लियर चले तो और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है ओके okay, तो हमारे पास आगे नाइन टेबल टेबल ऑफ नाइन चले नाइन वन से नाइन नाइन टूर एटीन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन नाइन फोर सार थर्टी सिक्स नाइन फाइव सार फोर्टी फाइव नाइन सिक्स आर्स फिफ्टी फोर नाइन सेवन सार सिक्सटी थ्री नाइन एट सार सेवेंटी टू नाइन 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 साटी वन नाइन टेन नाइन ओके तो आप इसको एक छोटी सी ट्रिक भी इस वे इसको याद करने की देखिए पहले आप यहाँ पे नाइन लिखिए तो यहाँ परीबन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ से सब पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा पूरा नाइन का टेबल क्लियर चले और नेक्स्ट सॉरी हाँ तो नेक्स्ट टेन का टेबल है टेन का टेबल हमारा सबसे ज़्यादा इजी होता है वन की तरह आ, टेन वन इज टेन टेन टू सार ट्वेंटी टेन थ्री सार थर्टी टेन फोर सार फोर्टी टेन फाइव सार फिफ्टी टेन सिक्स सार सिक्सटी टेन सेवन सार सेवेंटी टेन एट सार एटी टेन नाइन्टी टेन टेन सार हंड्रेड ठीक है तो ये हो गए हमारे टेबल तो अब आप लोगों को क्या करना है इन टेबल्स को अच्छे से याद करना है रिपीट करना है और इसी ध्यान रखना आप एक बार याद करोगे आप दो दिन बाद भूल जाओगे तो उसके लिए क्या हुआ उससे क्या बार बार रिपीटेशन करते दे ठीक है थीके? तो okay, कितने सेकंड लग रहे हैं जैसे कि थ्री टन थ्री थ्री जन नाइन थ्री एटीन से ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री टेन जा थर्टी हार्डली थर्टी सेकेंड्स लगे ठीक है तो इसलिए आप क्या करें रिपीट करते रहिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चन को करने ओके तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर फाइंड द प्रोडक्ट तो आप टेबल से याद हैं एट टू आर कितने होते हैं सिक्सटीन फोर सिक्स आर सिक्स फोर आ होते हैं हमारे पास ट्वेंटी फोर नेक्स्ट इज एट फोर आर एट फोर आर थर्टी टू चलिए इस वो में से कर लेते हैं सेवन फाइव आर थर्टी फाइव ठीक है एंड uh, इसमें से कर लेते हैं एट सेवन एट्स आर फिफ्टी सिक्स ठीक है एक, आ, seven, yeah. तो इस टाइप से आपको सारे ही मंडलाए की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत सारे चलिए एक और देख लेते हैं एट फाइव सार इतना होता है फोर्टी चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ओके okay, अब आ गया हमारे पास कंप्लीट दिन मल्टीप्लीकेट फ्री ओके देखो ये एक नंबर सीरीज ऐसी की बने हमें जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल ये भी और एक वर्टिकल यूर आपको क्या करना है बस जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है आपको वहाँ पे इनका मैं लिखना है अब देखिए जैसे मैंने ऐसे करा यहाँ से हाँ ठीक है इसको रब कर देंगे अभी और ये वाली लाइन करीब यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको रब कर देते हैं इंटरसेक्शन हो रहा था कहाँ पर यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा था यहाँ पे क्या आ गया हमारा थर्टी कैसे फाइव सिक्स आर या सिक्स फाइव आर फेडी हो जाएगा है okay, ओके तो हम क्या करते हैं एट का करते हैं जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे करा सेवन का कर लेते हैं और सिक्स का करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट का आ रहा है हमारा यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे सेवन सिक्स आर कहता अंदर सेवन सिक्स फोर्टी टू ठीक है अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक फॉर्म हो रहा है तो चल इसको इरेज कर देते हैं एटीन so, आप देखिए टेन सबसे लास्ट में टेन आ रहा है तो तेन, तेन सारे कितना होता है हंड्रेड yeah. क्लियर so, तो आपको क्या करना है टेबल ग्रेड को देख के अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप वहां से भी देख के इनको सॉल्व कर सकते हैं क्लियर yeah. चलिए अब नेक्स्ट आ जा जाता है हमारे पास ओके तो कैडल्स के बहने आप इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है यहाँ पे टेबल्स के फॉर्म में तो आपको क्या आया टेबल फॉर्म फाइव वन साफ फाइव फाइव टू फाइव टू सा टेन फाइव थ्री साफ्टी फाइव फोर सावेंटी फाइव फाइव सार फर्टी फाइव फाइव सिक्स थर्टी फाइव सेवन साइव फाइव एट सार फोर्टी फाइव नाइन फोर्टी फाइव फाइव टेन साफ्टी ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ओके तो चलिए हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर तो सेवन इन टू दिस पार्ट इज़ फिफ्टी सिक्स तो कितने टाइम सेवन मल्टीप्लाई करें जो हमारा फिफ्टी सिक्स आ जाए दैट इज़ एट ठीक है फ़ोन भी किसकी किसकी मल्टीप्लाई करें किस नंबर में करें जो क्या आ फोर्टी तो हमने टेन से कर दिया ठीक है नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन होते हैं ठीक है अब जैसे यहाँ पे क्यों है एट नाइन दैट इज सेवेंटी टू होते हैं ठीक है चलिए और देखते हैं इसमें एक दो क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखते हैं फाइव की जो फोर्टी आ जाए गैस करो जल्दी से आप गैस कर लिया होगा तो अब आप देखना एट फाइव टाइम्स कितना होता है फोर्टी अगर आप इसको कर रहे हैं तो नाइन फाइव से कितना होगा हमारा फोर्टी फाइव ठीक है चलिए तो बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस आप करना अच्छे से ओके तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है प्रोडक्ट निकालना है अभी वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन के लिए बात कर रहे हैं ठीक है तो बुक ने हमसे बोला कि वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन भी होती है तो इसमें हम क्या करते हैं ऊपर नीचे नंबर्स को लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन वो सिक्स थ्री हजार कितना होता है एटी सिंपल ठीक है अगर हम यहाँ पे करें सिक्स फोर कितना ट्वेंटी फोर टेबल याद कर लेना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है अगर हम वहाँ पर देखें इस पार्ट में तो फोर फोर हजार कितना हो जाएगा हमारा एक्सटीन हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ एट थ्री हजार करेंगे तो हमारे पास अगेन कितना गया? 24 आ गया ट्वेंटी फोर आ गया तो इस टाइप से आपको सारे पार्ट सॉल्व करने ठीक है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब आप लोगों को करना है सिंपल एज दट को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से कोश्चे सॉल्व करनी है ठीक है जिससे कि आप इन पे अच्छे कमांड हो जाए चलिए ऑल द बेस्ट